पंचारी पहुंचने का आज दूसरा दिन है। मौसम बहुत अच्छा है, आज धूप लगी है, बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। और अभी मैं जा रहा हूँ नंदा देवी मंदिर की ओर, जो मुंशारी का सबसे कह सकते हैं कि एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है और लोगों की आस्था का केंद्र भी है। रोड बड़ी ख़राब है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपने ईंधन भरना है तो थल और वहाँ जॉलजीबी से भर लें, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे एक पेट्रोल पंप खुल चुका है मुंशारी में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप अपनी गाड़ी से मुंशारी आ रहे हैं। सामने पंचाचूली पीक का विहंगम दृश्य है, हालांकि बादलों ने जो मुख्य चोटी है पंचाचूली चूली की उसको ढक दिया है। हो सकता है थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाए, क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्र में 12 बजे के बाद से माना जाता है कि बादल बनने शुरू हो जाते हैं और मौसम बदलना शुरू हो जाता है। यहाँ से नंदा देवी टेम्पल जो है 1 किलोमीटर है और इसका एल्टीट्यूड है 72,000 फिट। 72,000 फिट की ऊंचाई पर, सॉरी 72,000 तो बहुत ज़्यादा है, 7200 फिट की ऊंचाई पर नंदा देवी का एल्टीट्यूड है। सामने अब आप देखेंगे तो वो है नरकोट। तो सामने जो आप देख रहे हैं वो जो बसासत है वो है नरकोट, और उन पहाड़ों के पीछे है मिलम ग्लेशियर। और जो इधर की बसावट देख रहे हैं बाएं हाथ, हाँ ये सामने का है, यह है गोरी पार का इलाका, गोरी छाल के लोग यहाँ कहते हैं। और जो प्रसिद्ध पहाड़ी सिंगर या कुमाऊनी सिंगर ललित मोहन जोशी, वो भी सामने के गांव में कहीं रहते हैं, इन गांव में उनका घर है। चूँकि नंदा देवी मंदिर की ओर की जो रोड है बड़ी ख़तरनाक सी है, आपदा के निशान भी दिख रहे हैं, दीवारें बह चुकी हैं, फिर भी हम चल रहे हैं नंदा देवी मंदिर की ओर। तो आज आपको दिखाते हैं नंदा देवी, उसके बाद और भी जो यहाँ पे छोटे मोटे ट्रैक्स रहेंगे या स्पॉट्स दिखाने की कोशिश करेंगे, मुंशारी मार्केट, और ख़रीदेंगे राजमा और गंदड़ायनी और जम्बू, जिसे हम शेकुआ भी कहते हैं। अब मुंशारी पूरा डेवलप सा होने लगा, आप अच्छे अच्छे आपको कॉटेजेस यहाँ पे दिखेंगे। और एक ख़ास बात जो मुंशारी की आप देखेंगे, जो होटल्स यहाँ पर हैं उसमें हिंदी अंग्रेज़ी के अलावा आपको हर होटल में बंगाली में कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर दिखने को मिलेगा, क्योंकि बंगाली टूरिस्ट यहाँ बहुत आता है, बहुत ज़्यादा बंगाली टूरिस्ट आता है। और बसावट मुंशारी और उसके आसपास के जो क्षेत्र है और जो स्थान उनको दर्शाते हुए एक मैप यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, जिसमें उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे मलारी को कैसे जाएंगे, मिलम ग्लेशियर को कैसे जाएंगे, बिलजू गांव कैसे जाएंगे, धारचूला कैसे जाएंगे, तो पूरे जो कहते हैं जौहर वैली का एक नक्शा यहाँ पर बताया गया, और किसकी दूरी मुंशारी से कितनी है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। सामने मुंशारी शहर के छोटे छोटे दिख रहे हैं, आगे नरकोट है, ये गोरी छाल का इलाका है जिसे हम ऊपर से देखेंगे, और ये है नंदा देवी मंदिर का रास्ता। तो चलते हैं नंदा देवी मंदिर की ओर। खूबसूरत सा रास्ता और चारों तरफ हरियाली, और सबसे बड़ी बात बहुत शांति है यहाँ पे। और सामने अगर पंचाचूली हो तो सोने पर सुहागा, आध्यात्म ध्यान के लिए या योग के लिए सबसे बेहतर जगह ये आप मान सकते हैं मुंशारी की। वैसे पूरा मुंशारी में ही आपको शांति शांति मिलेगी हर जगह, लेकिन
पंचाचूली के सबसे अच्छे दर्शन के लिए या तो आप खलिया टॉप चले जाइए या नंदा देवी मंदिर से, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप बस यूं कूदें और झपट लें अपने अंजलि में पंचाचूली को। नंदा देवी का मंदिर है और उसके पीछे पंचाचूली पीक्स और पंचाचूली के आगोश में बसा हुआ मुंशाई शहर। बहुत अच्छा ये मंदिर मेंटेन किया हुआ है और काफ़ी शांति यहाँ पर आके मिलती है। अगर आप अगर दिन भर भी यहाँ पर बैठना चाहें तो बहुत ही बेहतर आपके यहाँ पे अच्छा लगेगा, मतलब एक आध्यात्मिक शांति आपको यहाँ पे मिलेगी, मानसिक सुकून यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप धूप में घंटों यहाँ पे बैठ सकते हैं। बस विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऐसे हाई एल्टीट्यूड में आते हैं सनस्क्रीन ज़रूर लाएं, क्योंकि धूप जो होती है डायरेक्ट आपके फेस को जला देती है यहाँ पे, और गर्म कपड़े ज़रूर रखें। ये है नंदा देवी मंदिर और हम पहुंच चुके हैं प्रसिद्ध नंदा देवी मंदिर में। बहुत ही खूबसूरत आप व्यू देख सकते हैं यहाँ पे। सामने आर्टिफिशियल वॉल भी है जिस पे आप क्लाइम कर सकते थे, लेकिन अभी अब उसको बंद कर दिया गया है। और पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, बादल अब धीरे धीरे उठने लगे हैं, नीला आसमान बादलों से भर रहा है। बहुत सारे टूरिस्ट दुनिया के कोने कोने से, भारत के कोने कोने से मुंशारी आते, और पीछे आप देख सकते हैं पंचाचूली का विहंगम दृश्य। उसके बैठने के लिए छतरी या कह सकते हैं कि रेस्ट हट का वहाँ पे बनाया गया है, और वहाँ से दिखता है गोरीछाल का इलाका। और गोरीछाल अभी भी लोगों से आबाद है। बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने दूरस्थ लोग जगह पे भी, जहाँ लोग कहते हैं कि सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, हम नहीं रहेंगे, बहुत वर्षों के बाद अब जाके यहाँ रोड पहुँचे, लेकिन लोगों की बसावट अभी भी इस क्षेत्र में वैसी ही है जैसे पहले थी। लोगों ने यहाँ से पलायन नहीं किया है। कभी आप रात को इस गोरी पार के इलाके को देखेंगे तो पूरा जो क्षेत्र है वो रोशनी से भरा हुआ रहता है। घर हर घर की लाइटें ऐसा अद्भुत दृश्य पैदा करती हैं कि शब्द ही नहीं मिलते। वो सामने जो आप देख रहे हैं उसके ठीक पीछे है मिलम ग्लेशियर, जो यहाँ से कई दिनों का पैदल ट्रैक है।
ये बैठने के लिए यहाँ पे छतरी का निर्माण किया गया है, और ये सामने रहा गोरी छाल का इलाका, आप यहाँ रोड कटती हुई देख रहे हैं, और यहीं है प्रसिद्ध कुमाऊनी गायक ललित मोहन जोशी का गांव भी यहीं पे है, और पीछे पंचचुली का दृश्य। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर झूले इत्यादि की व्यवस्था इस प्रांगण में की गई है। सुंदर ढलान लेते हुए घास का मैदान, और सामने है दरकोट का इलाका, जहाँ पे मुंशारी के बाद जो बसावट है दरकोट वहाँ पे है। वहाँ से लोग दरकोट के बाद आगे को हल्की रोड कटती हुई देख रहे हैं आप, जो भविष्य के वर्ष में कुछ सालों बाद आप गाड़ी से मिलम ग्लेशियर जा पाएंगे। अभी रोड निर्माण का कार्य चल रहा है, गोरी छाल का इलाका पूरा आपके सामने, और ये जो नीचे दरकोट बैंड से जो नीचे रोड आती हुई देख रहे हैं आप, ये रोड नीचे होते हुए मतकोट क्षेत्र में मिल जाएगी, और मतकोट में जो प्रसिद्ध है अपने हॉट स्प्रिंग्स के लिए, उसके बाद मतकोट के बाद आप पहुंचते हैं जौलजीबी, और जौलजीबी जो प्रसिद्ध है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए, जो आगामी 14 नवंबर को प्रारंभ होगा, जहां भारत, नेपाल और तिब्बत के व्यापारी पूर्व के वर्षों से आते रहे हैं अपने व्यापार को लेके, जहां आते थे हुमला जुमला के घोड़े। और ये नीचे बह रही है गोरी नदी, और इस नदी के किनारे किनारे ही जो रोड चलती है वो आपको मतकोट की ओर ले आती है, और वहाँ कहीं नीचे मतकोट, उस पहाड़ के नीचे मतकोट का क्षेत्र है, उसके बाद जौलजीबी का क्षेत्र है। ये गोरी छाल, सामने पंचाचुली 1-2 राजरंभा, और वो पीक्स यहाँ से दिख नहीं रही हैं, दरकोट, मुंशारी शहर और नंदा देवी प्रांगण। तो अब वापस चलते हैं। सीखते हुए लिजर्ड भी यहाँ पर आपको देख सकते हैं आराम से। पेयजल की व्यवस्था यहाँ पे है, और एक जलपान ग्रह है, माँ नंदा देवी जलपान ग्रह। पंचाचुली के बारे में कहा जाता है कि पांचों भाव पांडव पांचाली सहित विराजमान है इस पंचाचुली पर्वत पे, इसलिए इनको पंचाचुली कहा जाता है। पंचाचुली, छिपलाकोट, राजरंबा, हसलिंग, कैलाशवा, बद्रीनाथ, द्वारका दर्शन यहाँ से होता है जो सामने है। राजरंबा और हसलिंग यहाँ से दिख नहीं रही है, अगर आप खलखलिया टॉप जाएंगे तो वहाँ से राजरंबा हसलिंग आप बहुत बेहतर तरीके से देख पाएंगे। और माता के दरबार में स्वेच्छापूर्ण विवाह भी यहाँ पे किया जाता है, जैसा यहाँ पे लिखा गया है। और अगर आप ड्रोन उड़ाते हैं तो उसके लिए परमिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि बिना अनुमति मंदिर प्रांगण में ड्रोन उड़ाना मना है। ये नंदा देवी मंदिर बहुत खूबसूरत सजाया हुआ। तो वापसी, अब अगले पड़ाव की ओर।